us turn by and enjoy the feeling of summer days. Known for our lively dining experience, featuring exceptional coastal-inspired food in a beautifully designed atmosphere. एक्वास्टार नहीं है क्या? कर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार नुसाप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 2 सोमेश्वर राव जी के चैम्बर के यहाँ पर, और जैसा हम आपको बता दें सोमेश्वर राव जी FTP चेयरपर्सन भी है। और कल हमने एक न्यूज़ दिखाया था वार्ड नंबर 2 का, वार्ड नंबर 2 सर्किट हाउस के बगल का, तो वहाँ पर जो है लैंडस्लाइडिंग हो रही थी। तो वहाँ के लोगों ने हमें कॉल करके बुलाया और उनके साथ जो घटना घटी उसके बारे में हमें बताया। तो हम आपको ये बता दें कि वहाँ पर जब हमने जाके देखा तो मट्टी जो है डस के वहाँ पर गिर रहा था, और जब हम गए उस समय भी जो है गिर रहा था, और अगर ऐसी बारिश होगी तो वो रोड भी जो है कहीं ना कहीं स्लाइड हो सकते हैं, क्योंकि और वहाँ पर एक घर नहीं है, काफ़ी सारे घर है। फ़िलहाल तो जो है मट्टी स्लाइड होकर एक ही घर में गिरी है, और उसके कारण उस घर वालों को जो है नुकसान हुआ है, इसलिए वो घर वालों ने हमें बुलाया था। और इसी विषय को लेकर हम अब बात करेंगे उस वार्ड के काउंसलर से, सोमेश्वर राव जी से, जो वार्ड नंबर 2 के काउंसलर है। तो आइए अब हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो है उन लोगों के लिए क्या कदम उठाया। सबको मेरा नमस्कार। एक्चुअल में ये चीज़ जो आप लैंडस्लाइडिंग देखे हैं वो अभी पहला बार नहीं है, कम से कम 3-4 बार हो चुका है। इवन कोरोना के टाइम में भी शायद हुआ था। हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्पलेस है हम लोगों पास कोई देखिए एक्चुअल में पूरा अदर स्टेट्स जितना भी है सब जगह एक क्लाइमेट रिलीफ फंड होता है। जब भी इस तरह कुछ होता है, क्लाइमेट का चेंजेस जब भी आता है, कुछ होता है तो क्लाइमेट रिलीफ फंड उठा के दे देते हैं, फटाफट काम कर देते हैं। सर मैं आपको एक जगह रोकना चाहता हूँ। देखिए आपके वार्ड में ये दूसरी बार जो है हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और इससे पहले भी जो है हुआ था साजीवन कॉलोनी के वहाँ पर जो है नेपाली बस्ती, राइट, वहाँ पर जो है हम लोग गए थे और आप भी वहाँ पर मौजूद थे, सीनियर वाइस चेयरपर्सन उस समय के अजीजुर रहमान जी वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और उनके साथ भी काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन देखिए अब जो है सेम हादसा जो है सर्किट हाउस के वहाँ पर हुआ है, और लोगों का ये भी कहना है कि सर्किट हाउस का जितना पानी है वो वहीं पर जाता है, वेस्टेज जो भी है पानी, क्या ये बात सच है? हाँ, वो एक्चुअल में क्या है, वो नाला है, नाला के थ्रू जाएगा पानी। वो एक्चुअल में अभी बीच में थोड़ा पाइपलाइन का काम किया था उधर, हम लोग प्रॉब्लम था पानी का, तो उसमें जो खोदा वो लोग शायद उसका वजह से पानी वहाँ से उतर के वो लैंडस्लाइड हुआ है। और अभी हम लोग उसके ऊपर हाथ इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि कल हम बोल दिया था खाली आदमी लगाओ, लेकिन जब जाके JEE मैडम भी देखी, आज सुबह फिर मैडम भी गई थी, जब जाके वहाँ पे देखा सिचुएशन तो बोला कि अभी ये मट्टी निकालेगा तो और लैंडस्लाइड हो जाएगा। अच्छा। इसलिए वो अभी जैसा है वैसे रखे हैं। अभी हमारा बस कोलता ड्रम्स है, अभी हम लोग देखिए टेम्प्रेरी कर सकता हम लोग। आप वो जो नेपाली बस्ती बोल रहे हैं उसमें भी यही हुआ था, वही सीट डाल के पाइप लगा के, वो भी फिर हम अभी वाटर का JEE को रिक्वेस्ट करना, फिर वो पुराना पाइप लेके आना, फिर टोकना, ये सब करते। लेकिन इसमें ना एडमिनिस्ट्रेशन कभी डिसीजन लेता है, हम बार बार DPC मीटिंग में भी बहुत बार बोल चुका हूँ, क्योंकि मेरा एक नहीं है, ये एक पहला भगत सिंह कॉलोनी का हुआ। भगत सिंह कॉलोनी तो बहुत बड़ा लंबा, वो कम से कम 100 मीटर का दीवार बनना है, 100 से 120 मीटर का, उसका भी पूरा सर्वे हुआ, सब कुछ हुआ, लास्ट में बोलते नहीं वो ऐसे रुक गया, वो फंड नहीं मिला। मतलब देखिए आपकी तरफ से आपका ये कहने कि आप आवाज़ उठा रहे हैं उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन मान नहीं रहे, राइट? जी। एक्चुअल में देखिए बात ये है, अभी इनका दीवाल बनना बोलने से कम एक 40-50 मीटर का दीवाल बनना है, उतना तो बड़ा दीवाल उसके लिए जो है, देखिए वहाँ पर सिर्फ सिंगल घर नहीं है, काफ़ी घर है, और देखिए आप वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं आप, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है सर।
वही हम आपको बोल रहे हैं, हमारा पास अगर लोग जो है लोग यही सोच रहे हैं कि देखिए उन्होंने आपको चुना है तो उनके लिए जो है आप करेंगे, ये लोगों के जो है मंशा है लोगों की, जो लोग जो है अभी जता रहे हैं, जब उनके साथ जो है इतना बड़ा जो है दुर्घटना हुआ है इसीलिए लोग जो है अब आपको याद कर रहे हैं। ज़रूर ज़रूर, वो तो और करेंगे क्या बेचारे, उनको तो सपोर्ट हम ही करना है, हम जो जगह से फ़ंड ला सकता हम वही कोशिश कर सकते हैं। अभी देखिए जब से कोरोना आया और 2 साल फंड नहीं था, फिर 1 साल फंड नहीं था, 3 साल बर्बाद हुआ, उसका बाद जैसा हम लोग बैठे हम बोले ठीक है चलो यहाँ से फंड नहीं होता तो चलो एमपी के थ्रू ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी हम लेटर लिखा है, भगत सिंह कॉलोनी में 100 से 120 मीटर का वाल बनना है, फिर वैसे ही वो नेपाली ये लोग जो अभी जो गिरा है सर्किट हाउस का उधर उसका 50 से 60 मीटर का दीवार बनना है आनंद हाउस का बगल, प्लस आपका 10 से 15 मीटर वो जो नेपाली बस्ती बोला आप उनका बनना है, और एक टोपो बोल के जो उससे आगे जो सर्किट हाउस का पहले स्टार्टिंग वहाँ एक रांची बस्ती वहाँ भी एक दीवार गिरा था वो 15-20 मीटर का दीवार बनना, ये सब लिख के हम एमपी को भेजा है ताकि वहाँ से कुछ फंड वहाँ से आ जाएगा तो भी इनका काम हो जाएगा। पहले क्या था पीडब्ल्यूडी करता था, पीडब्ल्यूडी को जैसे भी इस तरह प्रॉब्लम आता था वो करते थे, जब से म्यूनसिपल एरिया के अंडर में आ गया इसके लिए अलग से फ़ंड नहीं है कुछ नहीं, हम बार बार बोलते हैं कैलेमिटी रिलीफ फंड रखिए, ये हम डीपीसी में भी चिल्ला चिल्ला के बोला और हम अकेले ही नहीं है बाकी काउंसलर्स भी चिल्ला रहे हैं ये कैलेमिटी रिलीफ फंड क्यों नहीं रख रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है, पूरा इंडिया में है, हम लोग जब अदर स्टेट्स जाते हैं वहाँ देखते हैं कहीं भी कुछ भी लैंडस्लाइडिंग कुछ होता तुरंत आएगा वो कैलेमिटी रिलीफ फंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट का होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट तुरंत एक्शन लेते हैं, वो डीसी के अंडर में रहेगा तो वो डीसी के थ्रू वो काम करना है, वो फंड लेके डीसी देगा फटाफट काम होगा। अभी ये सर यहाँ पर हम जब भी सुनते हैं और देखते हैं कि अनेक डीसी आए और गए, लेकिन कभी भी इस तरह हादसा होता है तो डीसी और उसके ऊपर या नीचे के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो कोई वहाँ पर नहीं आता, इवन अगर बड़े मुश्किल से जो है तहसीलदार पटवारी भी अगर हो सके तो आएंगे वरना वो लोग भी नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ के वार्ड काउंसलर्स और जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन है यही लोग जो है वहाँ पर दिखाई देते, म्यूनसिपल सेक्रेटरी है ये लोग वहाँ पर दिखाई देते, आखिर इतने पद ऊँचे पद पर बैठने के बावजूद भी ये लोग जो है क्यों टसमस नहीं होते। देखिए पिछला टेन्योर में भी हम ये प्रॉब्लम्स फेस किया है तो सॉल्व हो ही नहीं रहा, बार बार जब भी प्रॉब्लम होएगा हम वहाँ फ़ोन करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ़ोन करेगा तो वो लोग क्या करेंगे तहसीलदार को पटवारी को भेजेंगे चौधरी को भेजेंगे वो लोग आएंगे वो लोग अपना रिपोर्ट बना के जमा कर देंगे बस यहीं तक, सिर्फ रिपोर्ट ही बनाते हैं करते कुछ नहीं है, रिपोर्ट बनाते हैं और ज़्यादा अगर घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ले जाकर तिरपाल लेके दे देते हैं। सर मैं खुद आपको बताता हूँ क्योंकि काफ़ी जगह मैंने देखा है बस एक तिरपाल दे मतलब वो लोग देंगे तो हो जाएगा सर, कितना नुकसान हो जाता है और लोग कहीं ना कहीं जो वार्ड काउंसलर को ही कोसते हैं इसमें। अब पब्लिक तो जब जिताया है तो कोसेंगे उसमें कोई डाउट नहीं है, उनका कोई गलती नहीं, हम मानता नहीं कि उनका कोई गलती है, जब कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को कोसेंगे, वो कोसना भी चाहिए, अगर उनका जगह हम भी होता तो हम भी वही करता, लेकिन उनको सिचुएशन समझना चाहिए कि फ़ंड का सिचुएशन समझना है, हमारे पास फ़ंड नहीं है फुटपाथ उटपाथ बनाने के लिए फंड नहीं है, तो दीवार कम से कम एक दीवार अभी इनका ही दीवार ले लीजिए 30-40 मीटर होगा कम से कम 50 मीटर भी हो सकता, वो दीवार बनाना बोलने से कम मेरे को नहीं तो भी 20-30-40 लाख रुपए चाहिए, जबकि उतना फंड ही मेरे को नहीं मिला अभी तक। तो सर आप मांग कीजिए ना, इतना बड़ा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उनसे मांग कीजिए आप। वही तो हम बोल रहे हैं आपको, इससे पहले भी डीपीसी में हम चिल्ला चिल्ला के बोला है, हमें अकेले ही नहीं सारा काउंसलर्स भी बोला है, वो अभी तक अटका पड़ा है, फिर हम बोले ठीक है वहाँ से नहीं होता एमपी को भेजा, एमपी से भी कुछ नहीं हो रहा है, एमपी चाहे तो फंड दे सकता है, ये लेटर आप देख सकते हैं लेटर तो भेजा आपको है। विजुअल पे भी दिखाएंगे, इन्होंने जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी को जो है लेटर दिया है और डेटेड है 5 अप्रैल 2023 को जो है इन्होंने लेटर दिया है और जो है ये ओसी कॉपी है, तो कॉपी तो उन्होंने ग्रैंड कर लिया होगा ठीक है, उसके बावजूद देखिए अभी जो है छठवां महीना चल रहा है, ये अप्रैल से अब जून हो चुके हैं, अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों एमपी सर की तरफ से क्या कुछ फ़ंड अभी तक क्यों नहीं रिलीफ मतलब जो रिलीफ फंड होता है ये क्यों नहीं मिला। देखिए ये लेटर तो हम अभी भेजा होगा लेकिन पिछला 5 साल में कितना लेटर भेज चुका हम, वो वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं है कोई रिप्लाई नहीं है, मतलब आपको कभी लैंडस्लाइडिंग हो गया कुछ हो गया तो इनको ले जाके कोई रूम दिलाएंगे, वो भी हमको ही पूछा, हम बोला रात्रि निवास है अगर इनको प्रॉब्लम है तो वहाँ रख सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते लोग,
और आप बोला जैसा तिरपाल डाल देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं करेंगे। म्यूनसिपल भी क्या करेगा, दो सीट मार के पाइप गाड़ के दे देंगे, इतना ही करता है। तो अब आपने जो है एमपी साहब से जो है इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है और उनसे गुहार लगाई है, एमपी सर की तरफ से क्या आपको जो है क्या आंसर मिला है वो बताइए। अभी तक कोई रिप्लाई तो नहीं मिला, लेकिन हम जाएगा आज आज शाम को, नहीं तो कल के अंदर जाके एमपी साहब से मिलना एक बार, मिलेगा, मिल के रिक्वेस्ट करके देखता, अगर उनके लिए कुछ फंड मिल गया तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह वही एरिया में थोड़ा ये बगल पीडब्ल्यूडी क्वार्टर से देखिए, उसके पीछे का भी दीवार पहले गिर गया था, तो वो पीडब्ल्यूडी के अंडर में बोल के पीडब्ल्यूडी को बोलते साथ वो टेंडर करा के वो दीवार बना दिए, उनका अंडर में वो कर देते हैं। लेकिन हमारा अंडर में आता है ये डीसी साहब का भी एक ऑर्डर है, कोई भी दीवार नहीं बना सकता। जब अंचिपा का सर थे वो टाइम एक ऑर्डर पास करे थे कि कोई भी काउंसलर दीवार नहीं बनाना। मतलब किसी का घर टूट के जा रहा है तो जा रहा है, या उनके घर के ऊपर कुछ गिर रहा है तो गिर रहा है, लेकिन दीवार नहीं बनाना, तो वही परमिशन लेना पड़ेगा फिर बनाना है। और परमिशन लेने से भी मेरे पास फंड नहीं है, हम तो रिक्वेस्ट कर सकता, हमारा चेयरपर्सन से भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई फंड दे दो कुछ अलग से, कुछ नॉन प्लान में भी कुछ अगर डिपार्टमेंट से भी मिलेगा तो भी हम कोशिश कर सकते हैं। एक सिंपल से बात मैं आपको बताता हूँ, चेयरपर्सन साहिबा जो है अभी म्यूनसिपल चेयरपर्सन साहिबा, उनके साथ जो है आपका मतलब आप लोग जो है एक साथ मिलके जो है आप लोग अलायंस है, तो अलायंस के साथ में कम से कम आप जो है चेयरपर्सन साहिब बस जो है इस विषय को लेकर बात कीजिए, पीबीएमसी सेक्रेटरी से कम से कम इस विषय में बात कीजिए, क्योंकि आपने जो है इस वक्त एमपी साहब को जो है इसके बारे में लेटर दिए है, तो आप उन दोनों को भी दीजिए, कम से कम उन घर वालों को कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। कोशिश तो कर रहे हैं, कल वो लोग भी आए थे चेयरपर्सन से मिल के गए, मेरे को भी मेरे से भी बात हुआ, मैडम से हम बोला है इस तरह दीवार गिर गया क्या करेगा, तो फंड नहीं है, मैडम भी वही बोलती है और क्या कर सकते। एक्चुअल आप सच्चाई यही है कि म्यूनसिपल में फंड नहीं, फंड क्राइसिस है। तो फंड आखिर है कहाँ पर, आप ये बता दीजिए ना। फंड तब मिलेगा जब म्यूनसिपल से हर चीज़ का यूसी जाना है, ये लोग यूसी बराबर नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के अंदर ही जो है गड़बड़ी है। और ये सब के लिए फंड तो नहीं है, ये सब के लिए अलग से स्पेशल फंड रखना है। डिजास्टर मैनेजमेंट हम लास्ट मीटिंग में भी पास कराया था, डिजास्टर मैनेजमेंट करके एक फंड रखने के लिए, तो वो फंड के लिए बोला है, उसके बाद तो फंड आया नहीं। अगर वो शायद आ गया होता तो डिजास्टर मैनेजमेंट आज हम लोग कम से कम इसको कुछ कर सकते थे। और मेनली सारा इंडिया में जितना स्टेट्स है सब जगह डिजास्टर मैनेजमेंट का पास ही ये क्या बोलते हैं कैलेमिटी रिलीफ फंड होता है। कैलेमिटी रिलीफ फंड बहुत ज़रूरी है अंडमान के लिए, क्योंकि हम लोग का हिली एरिया है, हमेशा लैंड स्लाइडिंग्स होता है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे है फंड, इस तरह प्रॉब्लम है। तो इनके लिए एट लास्ट आपका इतना समय ना लेते हुए हम ये पूछना चाहते हैं, देखिए कल इन्होंने हमें बुलाया था और इन्हें प्रॉब्लम था करके इन्होंने हमें बुलाया, तो इनके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? अभी यहाँ पे एक बार एमपी सर से भी मिलेगा, और अगर बारिश हुई और तेज़ बारिश हुई तो इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। जी जी, एक्चुअल में देखिए हम जो कर सकता करा, अभी हम जाएगा एमपी सर से भी मिलेगा, चीफ सेक्रेटरी सर से भी रिक्वेस्ट करेगा, हम एडमिनिस्ट्रेशन से चीफ सेक्रेटरी सर से डीसी सर से सबसे रिक्वेस्ट करता है, कम से कम आप लोग एक डिजास्टर मैनेजमेंट के पास एक कैलेमिटी रिलीफ फंड रखिए। इस तरह सिचुएशन में हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके फंड कहाँ से लाएंगे, हम लोग ना उनका पास फंड है ना हमारे पास फंड है, हम लोग कैसा करेंगे। इसीलिए हम चीफ सेक्रेटरी सर से भी रिक्वेस्ट करता है और टोटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता है कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट के पास एक कैलेमिटी रिलीफ फंड रखिए, ताकि जब भी इस तरह प्रॉब्लम हो वो तुरंत वो फंड उठाकर काम कर सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सोमेश्वर राव जी हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो कल जैसा हम आपको बता दें, कल हमने जो न्यूज़ बनाया था ये उसका जो है अपडेट है, और जैसा सर ने कहा है कि एमपी साहब से जाकर वो मिलेंगे, और मिलने के बाद जो है सिर्फ एमपी साहब ही नहीं, सीएस सर, डीसी मैम, एमपी साहब तीनों से जाकर मिलेंगे और इसके बारे में जो है बात करेंगे। और एमपी साहब को जो है इन्होंने लेटर भी दिया गया है, और अप्रैल 5 को जो है इन्होंने लेटर दिया गया, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम आशा करते हैं कि इस न्यूज़ के बाद जो है उस घर वालों को कुछ ना कुछ रिलीफ जो है मिले, ताकि आने वाले दिनों में देखिए अगर बारिश होगी तो उन घर वालों को काफ़ी तकलीफें होगी। और उन घर वालों का ये कहना है कि उन्होंने चुन के जो है सोमेश्वर राव जी को वहाँ का, उन घर वालों ने जो है चुनकर सोमेश्वर राव जी को काउंसलर बनाया वार्ड नंबर 2 का। और सिंपल सी बात है, अगर कोई भी वार्ड में कुछ होता है तो लोग जो है वार्ड काउंसलर को ही बोलते हैं, तो उसी का अपडेट लेने के लिए आज हम यहाँ पर आए थे। तो जैसा सर ने बताया है कि आगे का इसका अपडेट भी हम आपको देंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आप तक। मैं रोहित, कैमरामैन नवीन के साथ, धन्यवाद।
अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।